बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग जारी। बलूचिस्तान के 32 अजला में यूनियन काउंसिल्स, म्यूनसिपल कमेटियों और म्यूनसिपल कारपोरेशनों की खवातीन, किसानों, मजदूरों और गैर मुस्लिमों की मजमूई तौर पर 4,788 मखसूस नशिस्तों में से 2,310 नशिस्तों पर आज इंतखाब हो रहा है। 1,734 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 744 नशिस्तें खाली हैं। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नून लीग के रहनुमा इस्माइल का कहना है कि बाबा डिफॉल्ट तो इमरान खान है, जब मैं वजीर खजाना था तो मुश्किल फैसले किए। मिफ्ता इस्माइल ने अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान ने असल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ धकेला। इन्होंने बताया कि मैंने जब भी इकदाम किए वजीर आजम की मर्जी से किए, मैं ओपन मार्केट पर यकीन रखता हूँ, इसराफदार यकीन नहीं रखते। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि तनाज़ात से थक चुके हैं, हम दूसरों के तनाज़ात का हिस्सा बनना नहीं चाहते। बिलावल भुट्टो ने कहा कि यूक्रेन से हमदर्दी है, लेकिन पाकिस्तान के अपने बहुत से दाखिली और इलाकाई मसाइल हैं। पाकिस्तान जानता है कि तबाही क्या होती है, हम किसी और तवील जंग में शामिल नहीं होना चाहते। मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के 5,702 टेस्ट किए गए, जिनमें से 14 मरीजों में आलमी वबा की तशखीस हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.25% रही। और अर्जेंटीना ने क्रोशिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लूसल स्टेडियम में खेले गए मैच के पहले हाफ में अर्जेंटीना के कप्तान मेस्सी ने 34वें और जुलियान लिवारेस ने 39वें मिनट में गोल करके अपनी टीम की पोजीशन मुस्तहकम की। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिन्हास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।